नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दी ऑटरिंग और मैं हूं आप लोगों के साथ बबीता चौहान। गुजरात कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफ। गुजरात कांग्रेस ने कहा कि किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ करने का फैसला कैबिनेट की पहले बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ किसानों के लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है, जैसे कि फर्टिलाइजर, बीज जिस पर GST लगाया जाता है, उसे कम या हटाने की पूरी कोशिश वह करेंगे। गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दाव खेला। पार्टी ने किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों के लिए हित में फैसला लेंगे और राज्य में किसानों का 3 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि किसानों के लिए हमारी जो योजनाएं थी और हमारी सरकारों ने किसानों को जो रियायत दी गई वो हमने करके दिखाया है। कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों के लिए जो योजनाओं में लाभ दे रहे हैं, वैसे ही हम गुजरात में सरकार आने के बाद लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम राज्यों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा भी देंगे। यह भी कहा कि वह राज्य में 10 घंटे के लिए मुफ्त बिजली, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने और गुजरात में गौधन न्याय योजना लागू करेंगे। आपको बता देते हैं कि गुजरात में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राज्य में पिछले 27 साल से BJP का राज्य है। ऐसे में कांग्रेस अब सत्ता में वापसी के लिए हर तरह से तैयारी करने में जुटी हुई है। पिछली पार्टी ने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया था और BJP को 100 तक के आंकड़े तक ही रोक लिया गया था। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार चुनाव में पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरना चाहती है और BJP को घेरने की तैयारी में लगी है। वहीं गुजरात के चुनाव में एक बार फिर आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ तैयारी में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएँ भी कर रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल। शुक्रिया।